और फिर यह है कि सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। संजय भाई आपके हवाले से शेर सुनाता हूँ कि सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए, एक खुदा दुश्मन भी हमको खानदानी चाहिए। खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए, एक खुदा दुश्मन भी हमको खानदानी चाहिए। तुम रखो ये पीले मुफलर और खाकी चट्टिया, हम पुराने हैं, हमें पगड़ी पुरानी चाहिए। आज के प्रोग्राम के जो सबसे मौजूद मेहमान हैं और हमारे महबूब कैंडिडेट हैं, मोहतरम संजय निरुपम साहब, आशीष कुमार जी जो एआईसीसी से सेक्रेटरी हैं, और जैसे ही मोहसिन भाई ने कहा कि हम दुआ करते हैं और दुआ के साथ बोल की भी बात करते हैं, वैसे ही दुआ साहब हमारे पीछे तशरीफ लाए। मोहतरम दुआ साहब थोड़ा पीछे हो जाओ भाई, मेरे मोहतरम वाले जो सियासी के सरकार में वजीर रहे लंबे अरसे तक, प्रोफेसर जावेद साहब अकरम भाई जो कर्नाटका से चल के तशरीफ लाए हैं, मेरे बहुत भाई जावेद शराफ साहब, अशोक भाव जी जो महबूब बैठे रहे यहाँ से दो बार मुखिब करके और फिर इंशाल्लाह मुखिब कराते रहेंगे, मोहसिन भाई मेरी बहुत ही अजीज बहन जिनके साथ मैं लगे ऐसे से काम कर रहा हूँ, भावना जैन साहिबा जो महिला कांग्रेस के ऑल इंडिया के लेवल पर काम कर रही हैं, गफूर खान साहब, फिरोज खान साहब, मुस्तफा साहब, यहाँ मौजूद बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के दोस्तों, आजकल मित्रों कहना बंद कर दिया है, मीडिया के दोस्तों कहना ही ठीक है, और मुल्क के बारे में बड़ी खूबसूरत शाम है, और ऐसा लग रहा है कि कोई सियासी इजलास नहीं है, ये कोई सियासी महफिल नहीं है, ये कोई राजनीतिक चर्चा नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि अगली और रूहानी महफिल भी है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ मोहसिन भाई को कि न सिर्फ ये नाम के मोहसिन है बल्कि काम से भी मोहसिन है, और इसी वजह से उनकी मोहब्बत को इतने सारे लोग जिसमें हमारी बड़ी तादाद में पहले भी शरीक हुई है, इस बात के लिए बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिंदगी का एक फलसफा है कि जो गुजर जाए वो बहुत खूबसूरत, जो गुजर रहा होता है उससे इंसान मुतमईन नहीं होता, आने वाले वक्त से इंसान डरा होता है, पता नहीं क्या होगा। और मैं बैठे हुए अभी पुराने वक्त को सोच रहा था और संजय निरुपम जी को बोलते हुए देख रहा था, तो मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव याद आया, मैं स्टूडेंट लीग का प्रेसिडेंट था, दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में से एक है, 80,000 तलबा उसमें वोट करते हैं, संजय भाई को हम लोग हर साल यूनिवर्सिटी के चुनाव में ले जाकर यूपी और बिहार के साथ उनसे बात कराते हैं, और इनकी जोरदार तकलीफ हुआ करती। संजय भाई मैं आपको याद करते हुए बात जरूर कहना चाहता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव को याद करते हुए मैं कहता हूँ कि आपकी जोरदार तकलीफ के चलते विद्यार्थी परिषद जो भारतीय जनता पार्टी और संघ का स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसको लगातार दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हम लोगों ने हराने का काम किया, तो जो गुजर गया वो अच्छा जी बहुत खोल से उदाह कैसे है, शाखे फूल कैसी है, खुशबू के मकाम कैसे है, ये सभा उनको गली से गुजरती होगी, उस गली में मेरे कदमों के निशान के ठीक है। संजय निरुपम बहुत सारे नेता है, एमएलए है, एमपी है, चुनकर विधानसभा में और लोकसभा में जाते हैं, 5 साल का वक्त निकल जाता है और हमें ये याद भी नहीं रहता कि हमारा एमएलए कौन है और हमारा एमपी कौन है, लेकिन संजय निरुपम एक ऐसा नाम है और एक ऐसी आवाज है कि टेलीविजन चैनल हो वो पर्दे पर हो या पर्दे के बाहर हो, वो दिल्ली में हो या जैसे उन्होंने कहा कि वो रनिंग द्वारा तुझे घूम रहे हो, हर जगह घूम घूम कर जिस तरह से गरीब लोगों की, मजदूरों की, अकलियतों की, पिछड़ों की और आम लोगों की आवाज को बुलंद करते हैं, अगर ऐसा सांसद चुनकर आप लोकसभा में भेजते हैं और इंशाल्लाह भेजेंगे, तो ये बात यकीनी है और ये है कि सिर्फ आपकी इलाके की आवाज नहीं होगी, हिंदुस्तान के अकलियतों की, मुसलमानों की, कमजोरों की, पिछड़ों की और गरीबों की आवाज होगी, ऐसा यकीन चुनकर आप लेने का काम करें। 2014 के बाद हिंदुस्तान में ऐसा माहौल था, कहीं से कोई आवाज निकलती रही थी, लेकिन मुंबई कांग्रेस से कैसी आवाज निकलती थी, कोई भी लड़ाई हो सबसे पहले मुंबई कांग्रेस के लोग और मुंबई कांग्रेस के साथ ही सड़क पर निकलकर लोगों की लड़ाई को लड़ने का काम करते, मैं एक बार जरूर कहना चाहता हूं, ठीक है
संजय भाई ने और दूसरे सारे साथियों ने कहा कि चुनाव बहुत अलग तरह का चुनाव, संविधान पर खतरे की मैं बात की, संविधान पर खतरा, हम बार बार कहते हैं कि चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा उसकी ताकत से हिंदू और मुसलमान बराबर, उसकी ताकत से ब्राह्मण और दलित बराबर।